हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड अगर मेरा चैनल पे आप पहली बार हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर यानी कि मुंह के अंदर जो कैंसर होता है उसका शुरुआती लक्षण को कैसे पहचानना है, कैसे पहचाने और साथ साथ में इसका कुछ कारण जो कारण क्या क्या है ओरल कैंसर का, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। और फ्रेंड मैंने आपका जो ओरल कैविटी है यानी कि मुंह के अंदर आपको किस तरह से जांच करना है ताकि मुंह के अंदर कहाँ कहाँ कैंसर पनप सकता है उसके बारे में जांच कैसे करें, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप दोबारा देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, एक सर्वे हुआ था 2019 में, तो ये पाया गया सर्वे में कि प्रति वर्ष 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के आसपास लोगों को ओरल कैंसर से लोग पीड़ित हैं। तो देखिए इसमें ज़्यादातर ओरल कैंसर जो होता है और वो ज़्यादातर पुरुषों में पाया जाता है। देखिए इसके कारण जो देखें तो सबसे मुख्य प्रमुख कारण है यानी कि 80% जो इसका कारण होता है तंबाकू का दुरुपयोग, यानी कि अगर आप तंबाकू ज्यादा लेते हैं तो ये एक कारण होता है ओरल कैंसर का। इसमें देखिए एक तंबाकू या किसी भी रूप में अगर आप लें, चाहे आप बीड़ी पी रहे हैं या फिर सिगरेट स्मोकिंग के जरिए या फिर पान में या फिर गुटखा में, ऐसे परिस्थिति में जब आप लेते हैं तो ये मुख्य कारण होता है ओरल कैंसर का यानी कि मुंह के अंदर कैंसर होने का। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो ये भी एक कारण बनता है ओरल कैंसर का। उसके साथ साथ अगर आपका प्रतिरोध क्षमता यानी कि इम्यूनिटी जो होता है अगर कम है तो ये भी एक कारण हो सकता है ओरल कैंसर का। और कुछ वायरल इन्फेक्शन से भी ये देखा गया है कि ये भी ओरल कैंसर कर सकता है। तो फ्रेंड इसके साथ अगर आप सुपारी चबाते हैं ज़्यादा यानी कि उसको हम लोग बिटल नट बोलते हैं, ये सब कारण होता है ओरल कैंसर का। तो ओरल कैंसर जो होता है, कैंसर से होने वाले मौत में ये 6ठे नंबर पर इसको रखा जा सकता है। अब फ्रेंड बात करते हैं अब इसका शुरुआती लक्षण क्या क्या होता है। देखिए अगर मुंह के अंदर कोई भी छाले पड़ गया जो सामान्य नहीं दिख रहा है या फिर उसको ठीक होने में बहुत समय ले रहा है यानी कि 2 हफ्ता से ज़्यादा अगर आपका मुंह में कोई घाव वगैरह है तो ये शंका पैदा कर सकता है कि ये ओरल कैंसर हो सकता है। और साथ में मुंह के अंदर यानी कि गाल के अंदर जिसको हम लोग बक्कल मुकोसा बोलते हैं, ये साइड को इसके अंदर जो होता है उस साइड में या जीभ के नीचे या जीभ के बाहरी सतह या फिर आपका ये जो होंठ हो गया उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद परत दिखाई देने लगा, उसको हम लोग लिकोप्लेकिया बोलते हैं, जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, या फिर लाल लाल धब्बा जो होता है उसको हम लोग इरेथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, या फिर जीभ के बाहरी सतह में कुछ मांस जैसा टुकड़ा जो सामान्य नहीं लग रहा है या फिर वहाँ से खून निकल रहा है, तो ये सारा जो चीज़ होता है ये कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। इसको हम लोग प्री मेलिग्नेंट लीशन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड अगर ऐसा चीज़ अगर आपको दिखाई दिया तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। तो फ्रेंड और एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सबम्यूकस ओरल फाइब्रोसिस। ये देखिए इसमें क्या होता है, जो लोग ज़्यादा सुपारी लेते हैं, तंबाकू के साथ सुपारी का सेवन करते हैं या फिर गुटखा ज़्यादा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट उसके आसपास में जैसे इस फिगर में देख रहे हैं वहाँ पे एक सफ़ेद सा धब्बा यानी कि धागा जैसा एक बैंड बनता है, तो उससे उसको हम लोग सबम्यूकस ओरल फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को मुंह खोलने में परेशानी होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर जब हम 3 उंगली अगर मुंह के अंदर डालेंगे तो आप आसानी से डाल सकते हैं, लेकिन जब कोई मरीज को सबम्यूकस ओरल फाइब्रोसिस होता है तो वो 3 उंगली मुंह के अंदर डाल नहीं पाता है। जैसे इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं तो ये जो पेशेंट, ये जो आदमी है वो आराम से 3 उंगली मुंह के अंदर डाल सकता है, लेकिन जिसको सबम्यूकस ओरल फाइब्रोसिस हुआ है
वो तीन उंगली अंदर नहीं डाल पाता, उसको दर्द होता है। तो सब म्यूकस ओरल फाइब्रोसिस जो होता है ये भी एक शुरुआती लक्षण होता है कैंसर का, या फिर ये कभी भी कैंसर का रूप ले सकता है। जैसे इस फिगर में देखिए, ये बहुत दुर्लभ हमने पिक्चर लिया है कि ये बंदा को जो है एक साइड में सब म्यूकस ओरल फाइब्रोसिस होके रखा है और साथ में ये गुटखा भी चबा रहा है, तो उसको मालूम ही नहीं है कि उसके मुंह के अंदर कैंसर जैसे बीमारी होने का खतरा बना है। शुरुआती जो कैंसर का जो लक्षण होता है, अगर हम लोग पकड़ ले उसको और उसके बाद अगर हम उसमें पेशेंट को उसमें अगर इलाज कर पाए तो आप पूरी तरह से कैंसर मुक्त हो सकते हैं, यानी कि कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अब फ्रेंड बात करते हैं बायोप्सी के बारे में। देखिए, बायोप्सी जब भी आपको मुंह के अंदर ऐसा कोई असामान्य जो छाले पड़ गया है या फिर घाव है या कोई जो सामान्य नहीं दिख रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, वहां से मांस का टुकड़ा उठा के लैब में परीक्षण के लिए भेज देते हैं। तो देखिए, बायोप्सी से क्या होता है कि हम लोग को ये पक्का करने में मदद मिलता है कि जो असामान्य जैसा चीज दिखने वाला जो मुंह के अंदर है वो कैंसर है या फिर कोई और चीज है। अगर कैंसर नहीं है तो बहुत बड़ी बात है, तो अगर कैंसर भी है तो बायोप्सी से हमको कैंसर का कौन सा स्टेज में है वो पता करने में हम लोग को मदद मिलता है। और साथ में अगर बायोप्सी में अगर आपका कैंसर अर्ली स्टेज में या कि शुरुआती स्टेज में है तो तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में हम लोग को मदद मिलता है, ताकि आपको पूरी तरह से कैंसर मुक्त बनाने में ये सहयोग पहुंचाता है। या फिर बायोप्सी जब हम लोग को कैंसर का स्टेज पता करने में मदद करता है, क्योंकि हर एक कैंसर का हर एक एक स्टेज होता है और वो स्टेज के हिसाब से हम लोग को ट्रीटमेंट करना होता है। जैसे इस स्टेज वन में सिंपल ऑपरेशन लगेगा, या फिर स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर में आपको कीमोथेरेपी देना है या फिर रेडियोथेरेपी देना है, तो बायोप्सी का ये महत्व होता है। और कुछ कुछ गलत धारणा लोगों के ऊपर है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है, तो ये एकदम गलत धारणा है, क्योंकि बायोप्सी बहुत मददगार साबित होता है कैंसर को पता करने में, कैंसर का स्टेज पता करने में और कैंसर का शुरुआती लक्षण को पकड़ने में। तो फ्रेंड ये रहा छोटा सा जानकारी ओरल कैंसर के बारे में। जो जो मैंने आपको बोला, जो जो लक्षण होता है उसको आप ध्यान से देखिएगा, और अगर आप धूम्रपान करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं या फिर गुटखा खाते हैं तो आपको ज़्यादा खतरा है कैंसर होने का, क्योंकि जब भी आप ये सब चीज़ बंद कर देंगे, तंबाकू चबाना बंद कर देंगे, तो 80% जो कारण होता है कैंसर का यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड ऐसा चीज़ लगे तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिए। और साथ साथ में फ्रेंड अगर आपको तंबाकू छोड़ने में असमर्थ हो रहे हैं, अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, धूम्रपान अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करके आप निकोटीन का टैबलेट ले सकते हैं। ये आपको धूम्रपान छुड़ाने में या फिर तंबाकू छुड़ाने में बहुत मदद करता है, और साथ साथ में आपको गुड ओरल हाइजीन यानी कि आपका मुंह अच्छा से साफ रखना है, इसको हम लोग गुड ओरल हाइजीन बोलते हैं। और साथ में आपको पौष्टिक आहार खाना है, क्योंकि ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है यानी कि प्रतीक्षा प्रणाली जो बोलते हैं वो आपका अच्छा बना रही है, क्योंकि प्रतीक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी अगर आपका खराब है या कमजोर है तो ये भी एक कारण होता है ओरल कैंसर करने का। और फ्रेंड जाते जाते और एक चीज बता दूं, जब भी आप निकोटीन टैबलेट का अगर सेवन करना चाहते हैं ताकि तंबाकू से मुक्त होने के लिए, या फिर तंबाकू का लत से मुक्त अपने आप को करने के लिए, या फिर स्मोकिंग का लत से मुक्त करने के लिए, तो डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि निकोटीन का टैबलेट जब आप लेते हैं तो उस टाइम में कुछ कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ती हैं, तो वो आप डॉक्टर से संपर्क करके ही लें। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत फायदा पहुँचाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ भी लक्षण है या फिर आप तंबाकू लेते हैं तो कृपया आज ही तंबाकू का सेवन बंद कर दें, और एक ऐसी वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।